This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purposes only. Trading in any form involves risk. So before everything you do, analyze your financials and then decide. We are not responsible for your any kind of losses. 18 plus. आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कॉपी ट्रेडिंग के बारे में, जो कि ब्रोकर है यम ट्रेडिंग। और इसका कॉपी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा है, सबसे अलग थोड़ा डिफरेंट भी है कि यहाँ जब आप किसी को कॉपी करते हो ना, तो उसका वो कौन से ट्रेड लगा रहा है, स्टॉप लॉस वगैरह सब जान सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरी बात ये कि इसके सेंट अकाउंट से यानी कम पैसे से भी कॉपी कर सकते हो किसी को सेंट अकाउंट में, यहाँ लोग मास्टर आई डी बन जाती है। मास्टर आई डी के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो आप उसे देख सकते हो। बाकी कॉपी ट्रेडिंग, जिनको नहीं समझ आता कॉपी ट्रेडिंग क्या होती है, कॉपी ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको ट्रेडिंग की एसीपी भी पता नहीं है, लेकिन आप पैसे कमाना चाहते हो, आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो होता क्या है, जो काफ़ी लोग ट्रेडर होते हैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, तो शेयर करने का मतलब ये होगा तो उनको जाके ना, वो जैसे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको सिंपल आपको कॉपी करना होता है। जैसे वो $100 से करना, $100 करके आप कॉपी करोगे, भी वीडियो बताएं, जैसे ही कॉपी करो अगर वो बंदा प्रॉफिट उठाएगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो लॉस होगा यानी। लेकिन अच्छे मास्टर ट्रेडर को अगर कॉपी करके फॉलो करते हो तो काफ़ी ज़्यादा पैसे बना सकते हो, जैसे कि मैंने बनाया है, मेरा वीडियो देख लेना, सिर्फ मैंने कॉपी करके, यानी उसे देखना नहीं, अपना सोते रहो, पैसा बनता रहेगा। लेकिन फिर मैं बताने से पहले आपको बता दूँ, टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो इसको मस्ट मस्ट ज्वाइन कर लें, फ्री के सिग्नल्स वगैरह देता हूँ, काफ़ी प्रॉफिटेबल सिग्नल होते हैं, तो इसलिए आप उस सिग्नल को वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई फेक या फर्जी स्क्रीनशॉट नहीं होता, जो होता है रियल पे। तो मस्ट मस्ट इस चैनल को ज्वाइन कर लें, और फ्री की कोई भी अर्निंग एप्स वगैरह हो तो सबसे पहले यहाँ मैं शेयर कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, इसको मस्ट मस्ट ज्वाइन करो। और वीडियो को मेरा लाइक यार कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करते ही नहीं, लाइक कर दो। तो अब चलिए हम आते हैं मेन टॉपिक पे। तो अब हम कैसे किसी बंदे को कॉपी करें किसी अच्छे मार्क, तो सबसे पहले क्या है, यम ट्रेडिंग में आपको लॉग इन करना है। लेकिन अब काफ़ी न्यू लोग होंगे, उनका भाई अकाउंट ही नहीं बना, तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, इसलिए आप अकाउंट बना सकते हो। और एक डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो भी दूंगा जो कि पुराना है यम ट्रेडिंग का, क्या उसमें आप इजिली वो वीडियो देख के एकदम सीरियल वाइज नो डिपॉजिट के ऊपर बनाया था, लेकिन थोड़ा सा भगा के उसमें देखोगे मैंने अकाउंट बनाना बताया, तो आप पहले वो वीडियो देख लो कैसे अकाउंट बनाए, साइन अप कैसे करें। जब वो देख लोगे अकाउंट आप बना लिए हो, अब क्या है यहाँ पे आके सिंपल सा लॉग इन करना है, लॉग इन बटन पे हम क्लिक कर देंगे, साइन इन करोगे इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सिंपल सा थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओपन न्यू अकाउंट, तो इस पर हमें क्लिक करना है। जिन लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो उस पर क्लिक करके आप बना सकते हो, और डिपॉजिट बोनस भी लगभग 200% आपको मिल जाएगा, तो इसलिए लिंक के ही जरिए बनाएं। तो ओपन न्यू अकाउंट पर आप क्या हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है भाई कौन सा अकाउंट बनाओगे, तो सिंपल सा हमें रियल यानी लाइव अकाउंट बनाना है। और यहाँ पे बोलता है कौन सा, मतलब कौन सा टाइप का अकाउंट रहेगा, तो यहाँ पे जो टाइप है आप सिंपल सा, क्योंकि जिस टाइप का अकाउंट बनाओगे उसी टाइप के लोगों को फॉलो या कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यम सेंड करूँगा, क्योंकि एकदम कम से कम पैसे लगा के कॉपी कर सकूँ इस माल वाले। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आप, अब यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, मास्टर, मास्टर को पास ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो हमें सिंपल सा कॉपी करना है, यानी किसी, हमें ट्रेडिंग नहीं आती है, बिल्कुल नॉलेज नहीं, सिर्फ हमें पैसे लगा के छोड़ देना, बस हमें पैसा मिलता रहे। तो सिंपल सा हम क्या है, यहाँ पे कॉपियर बनेंगे, कॉपियर पे हम क्लिक कर देंगे। अब कॉपियर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, उसका लेवरेज भाई वही रहने दो, करेंसी भाई USC यहाँ पे कर लेना, पासवर्ड आपको अब बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे टिक लगाना है, यहाँ ओपन न्यू अकाउंट पे हमें क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे ही करोगे आपका अकाउंट बन गया, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कई अकाउंट बनाया, तो आप समझ सकते हो MT4 MT5 के मल्टीपल अंदर इसके अकाउंट बना सकते हो, मल्टीपल आप मास्टर अकाउंट बना सकते हो। तो ये दो अकाउंट मेरे पहले से ही बने थे, अब ये थर्ड में बना लिया सिर्फ लाइव आपको दिखाने के लिए। अब ये इंस्टेंट ये देखो कॉपियर इस पर लिखा, ये अकाउंट बन गया। अब मैंने जो पासवर्ड बनाया, यानी आपने जो पासवर्ड बनाया वो याद रखना है। अब अपने ईमेल पे चले जाना इसको, क्योंकि MT4 में लॉगिन कर लेना सबसे पहले ये काम, उसके आगे फिर बताते हैं। अब क्या है, पहले ईमेल पे जाना है, जैसे ईमेल पे आओगे यहाँ आपका आईडी पासवर्ड सब मिल जाएगा, तो यहाँ पे अकाउंट आईडी इसको कॉपी कर लेना, ये आपका सर्वर है इसको कॉपी कर लेना, और पासवर्ड जो आपने बनाया था उससे लॉगिन करना, जो यहाँ पे इन्वेस्टर दिया इससे कोई मतलब नहीं, इससे सिर्फ देख सकते हो, ट्रेड नहीं लगा सकते, तो बस जो आपने बनाया वो पासवर्ड। तो चलिए अभी MT4 में चले जाना है। अब फ्रेंड MT4 में हम आ गए, MT4 में आने से अब काफ़ी लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा भाई MT4 क्या है, तो MT4 का भी हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फुल ट्यूटोरियल, उसको आप क्लिक करके देख लो, अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ जल्दी जल्दी थोड़ा बताएंगे। अब क्या सिंपल MT4 में आने के बाद यहाँ 3 लाइन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड 3 लाइन पर आप क्लिक करो, यहाँ मैनेज अकाउंट है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड इस तरह इंटरफेस आएगा, यहाँ ऊपर प्लस बटन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन लॉगिन एक साइड, इस पर हमें क्लिक कर देना है।
उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो दिखता है यहाँ सर्च आएगा, सर्च में ये हम ट्रेडिंग जो आप सर्वर उठाए उसको यहाँ पे लाके पेस्ट करोगे तो आपका ये आ जाएगा हम ट्रेडिंग का सर्वर। तो सिंपल से इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका जो अकाउंट आईडी आपने कॉपी किया वो डालना, और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड वो डालना जो आपने बनाया था, उसका सिंपल सा यहाँ साइन इन बटन है इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड यहाँ पे जैसे साइन इन हो जाएगा आपका ये ऊपर नेम आ जाएगा, ये बैलेंस दिखा रहा है, बैलेंस यानी कुछ भी डिपॉजिट नहीं तो वो दिखा रहा है, तो ऐसे दिखने लगा। और उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ भी आपको नहीं देगा क्योंकि बैलेंस वगैरह है नहीं। तो अब क्या हम डिपॉजिट करेंगे, आपको डिपॉजिट भी लाइव ही करके दिया, मैं क्योंकि जो भी चीज़ें मैं खुद पैसे अपना लगाता हूँ, क्योंकि किसी भी ब्रोकर में पैसे सबसे पहले खुद ही लगाऊँ, दूसरों को क्यों बताऊँ, पहले खुद लगा लूँ तो आप जैसे लगाना हो। तो अब यहाँ पे भी देखो कि पैसा नहीं है क्योंकि पैसा भी डिपॉजिट, तो अपने ब्रोकर, अब क्या है अपने ब्रोकर में चले जाना है। अब फ्रेंड यहाँ ब्रोकर में आ गए तो ये वाले अकाउंट जिस MT4 के अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना है वो ये अकाउंट नंबर में डिपॉजिट करना है। तो सिंपल सा यहाँ अब क्या है डिपॉजिट ऑप्शन है, तो इस पर क्या हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ गए, लोकल बैंक है, ये ATM कार्ड से, बट इस मेथड से कभी भी डिपॉजिट मत करो, चाहे लोकल बैंक यूज कर लो, नेटलर इसके, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड हम बताएं क्रिप्टो। क्रिप्टो सबसे फास्ट डिपॉजिट होता है, सबसे फास्ट विड्रॉ होता है, तो इसलिए क्रिप्टो मैं सजेस्ट करता हूँ। बाकी आप यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट अगर फास्ट आपको डिपॉजिट विड्रॉ चाहिए किसी भी ब्रोकर में, क्रिप्टो मेथड का USDT TRC20 यूज़ करो। तो सिंपल हम क्या है इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे जाना है, तो यहाँ पे अपना अकाउंट किस अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हो, वैलेट में या जो भी आपका अकाउंट है, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे सारे अकाउंट शो हो जाएंगे। तो मेरा जो अभी आपके सामने अकाउंट बना है नीचे वाला 393 वाला, तो इस पर मैं क्लिक कर दिया, यहाँ ये सिलेक्ट हो गया। अभी इसमें फंड कुछ नहीं, और बोनस लेना चाहते हो तो बोनस ले सकते हो, लेकिन बोनस का कोई खास यूज नहीं है क्योंकि आपके निगेटिव में साथ नहीं देता, बस ये मार्जिन मनी बड़े लॉट लगा दो, और जब बड़े लॉट लगाओगे आपका अकाउंट वास हो जाएगा, तो क्या ही फ़ायदा। लेकिन बोनस लेके जैसे रख लोगे धीरे धीरे कुछ लॉट कंप्लीट होता है तो बोनस एक दिन रियल में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको ले लेना, बट इसके ऊपर डिपेंड ना होना। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया, और उसका नीचे यहाँ पे भाई टिक लगाना है, उसके बाद सिंपल सा अब हमको यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है। और फ्रेंड जैसे ही क्लिक किया यहाँ देखो मिनिमम जो USDT में अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हो कम से कम 50 USDT होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो एड्रेस वगैरह आ गया भाई, बार कोड भी आ गया, तो सिंपल सा हम क्या करें एड्रेस को कॉपी कर लेंगे, चाहे बार कोड का स्क्रीन शॉट लेके जाके भेज दो। अब क्या हमें अब इसमें भेजना है, तो मैं 100 डॉलर डिपॉजिट करूँगा USDT, वैसे मिनिमम आप कम से कम 50 करना ही पड़ेगा, उससे कम नहीं कर सकते। तो अब यहाँ जो भेजेंगे तो चलिए अब क्या है बाइनेंस पे हम चले जाते हैं। और फिर यहाँ बाइनेंस में आ गए तो काफ़ी न्यू होंगे, बाइनेंस समझेंगे ही नहीं क्या है, तो इसीलिए ऑलरेडी मैं इस पर भी वीडियो बनाया हूँ बाइनेंस से कैसे हम मतलब इंडियन रुपीज़ से USDT बाई करते हैं। तो ऑलरेडी पहले वो आप वीडियो देख लें, एक छोटा वीडियो है डायरेक्ट मैंने बाई सेल बताया, और एक बहुत लॉन्ग वीडियो, दो वीडियो मैंने दिया है, तो दोनों वीडियो आप देख लेना तो अच्छे समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर ये स्टेप आपको इजीली समझ में। अब क्या करना, बाइनेंस पे जैसे आ गए इसके वॉलेट पे क्लिक किए, इस तरह इंटरफेस आ गया, फिर आपको सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करना है USDT में, मैंने USDT रखा है तो इस पर क्लिक करूँगा, तो इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे विड्रॉ ऑप्शन आएगा, विड्रॉ पे हम क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद नेटवर्क आएगा, ये नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड एक चीज़ और आपको बहुत सही से नहीं बताया, ये हमेशा ध्यान देना USDT का TRC20 नेटवर्क का एड्रेस है, तो वहाँ से जो भेजना है TRC20 का ही भेजना है, इसीलिए हम चलिए बाइनेंस में चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है मैंने एड्रेस को पेस्ट कर दिया, अब यहाँ जो नेटवर्क है क्योंकि वहाँ TRC20 में भेज रहा हूँ ना, देखो यहाँ हज़ारों नेटवर्क है, लेकिन हमें क्या है TRC20 to TRC20 भेजना, तो ये सिलेक्ट करना है, तो मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे कंफर्म कर दिया नेटवर्क, यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे जो फंड है लगभग 100, अब यहाँ 100 जैसे 100 डिपॉजिट करना फ्रेंड, 100 नहीं जाएगा उधर 99, इसलिए यहाँ 101 करना, यानी कम से कम 1 USDT ज़्यादा, क्योंकि एक क्या है यहाँ पे फीस कट जाती है, यहाँ 101 भेजोगे तो उधर 100 जाएगा, अगर 50 डिपॉजिट करना है तो 51 याद भेजोगे तो उधर 50, तो इसलिए ध्यान देना। अब क्या है सिंपल सा विड्रॉ पे हम क्लिक करेंगे, अब विड्रॉ पे यहाँ एक बार एड्रेस वगैरह मिला लो, उसके बाद सिंपल सा हमें भेजना है, तो यहाँ पे थोड़ा वीडियो पॉज कर दूँ क्योंकि OTP वगैरह आएगा। और फ्रेंड देख सकते हो मैंने जो है फंड क्या है भेज दिया है यहाँ पे सिंपल सा, ये टाइम देख रहे हो आप लगभग रात के 12:14 हो रहे हैं, यानी अपडेट अगर देखें तो रात के 8 फरवरी 2023 इतना हो गया, तो मेरा क्या फंड ये चला गया है। अब हम चलें देखेंगे कितनी देर में हमें यहाँ, क्योंकि कन्फर्म हो गया मैंने थोड़ा वेट किया, तो अब चलिए हम सिंपल सा यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आ गया हमें,
अब यहाँ पे जो क्लिक करना है, यहाँ पेमेंट कंप्लीट पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने पेमेंट भेज दिया, कंप्लीट भी हो गया। करेंगे अब, देखते हैं उसका कितनी देर में मिल जाता है। अब यहाँ पे लिख क्या रहा है भाई, योर ऑर्डर एक्सेप्टेड पेंडिंग। तो यहाँ पे जो गो टू ट्रांजेक्शन, हम इस पर क्लिक करके देखेंगे आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, थोड़ी देर हम रिफ्रेश करेंगे पेज। ये देखो, यानी जस्ट, यानी यार इतना फास्ट इसमें डिपॉजिट होता है, अब क्या ही बताऊँ, यानी जस्ट आधा मिनट भी नहीं लगता। अब चलिए हम उसमें चले जाते हैं डैशबोर्ड में। अब फ्रेंड देख सकते हो, यहाँ पे लगभग $100 हमने डाला, तो 10,000 सेंट दिखा रहा है, क्योंकि सेंट अकाउंट है, 10,000 सेंट, और बाकी सब में अकाउंट में था मेरे पैसे। बस आपको क्या है, मेरे मालिक था, डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या है, जब मैं कोई चीज़ दिखाता हूँ ना, तो मैं रियल पैसे लगा के दिखाना चाहता हूँ, ये नहीं कि ऐसे बस ऊपर से बता दूँ। अब आपने पैसे आ गए, अब आपको कॉपी करना है किसी को। अब क्या करना है, मैं अब सिंपल सा ना, आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है 3 लाइन, इस पर हमें क्लिक करना है, ये इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ आपको मिल जाएगा भाई कॉपी ट्रेड, यानी ट्रेडर रूम में जाओगे तो इस काफ़ी ऑप्शन है, तो यहाँ कॉपी ट्रेडिंग है, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जितने भी अच्छे मास्टर ट्रेडर हैं टॉप सबसे ऊपर दिखेंगे। लेकिन मास्टर ट्रेडर भैया, कॉपी करने से पहले अच्छे से उसका जांच कर लो, ट्रेड वगैरह कैसे ले रहा है, तो ही कॉपी करो फ्रेंड। और ये ध्यान देना, आपने सेंट अकाउंट बनाया है यम सेंट, ये ध्यान देना, तो यम सेंट वालों को ही कॉपी कर पाओगे। अगर यम प्रो बनाए रहोगे तो यम प्रो वालों को कॉपी कर पाओगे, ये ध्यान देना। ये कॉर्नर पर बना है, ये चीज़ें देखना हमेशा। तो जैसे कि यम सेंट हमने किया है, तो इस बंदे को अगर हम कॉपी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं इस पर। लेकिन एक बार हम क्लिक करेंगे पहले कॉपी पे, अब जैसे देखेंगे भाई, अब इस पर क्लिक करेंगे तो जितना इन्हें डालना चाहते हैं उसको बैक करते हैं, पहले परफॉर्मेंस देखते हैं इसका। तो यहाँ पे एग्जांपल, इसके ऊपर नाम पे क्लिक करते हैं, नाम पे क्लिक करोगे तो थोड़ा परफॉर्मेंस देखे ना क्या कैसे है। तो देखो, ये जो फीस लिया है 30% पर मंथ ले रहा है, और इसको कॉपी कर सकते हो 50 50 डॉलर से, यानी अपने एम सेंट अकाउंट में $50 डालोगे तो 5,000 सेंट यू हो जाएगा। तो ये 5,000 सेंट से कॉपी कर सकते हो। और इसने अपना टेलीग्राम वो भी डाला, और हाईएस्ट अभी तक ये 9 डेज हुआ इसको आईडी बना, और मैक्सिमम डरा डाउन 13% गया, यानी $100 का अगर अकाउंट है तो हाईएस्ट इसका $13 माइनस, मतलब रन में गया था, उसके बाद फिर वापस आ गया। तो यानी ये ड्रा डाउन, इससे पता चलता है अकाउंट पे कितना रिस्क, यानी 13 अभी तक 9 डेज हुआ है, इसलिए भाई अभी तो उतना हाई गया नहीं, उस हिसाब से तो सही है। और बाकी रिटर्न जो है लगभग 58% है, यानी अगर आपने 10,000 रुपये लगाए तो समझ लो 5,800 रुपये आपको प्रॉफिट मिल चुका, 5,500 रुपये प्रॉफिट आ गए। तो ये चीज़ अपने फंड के अकॉर्डिंग, यानी जितना फंड है इससे जितना डबल लगा उसी हिसाब से आपका डबल प्रॉफिट होगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चार्ट वगैरह देख सकते हो, और मंथ में देख सकते हो, करेंट मंथ में 62% निकाला था, प्रीवियस मंथ में 0%, क्योंकि अभी 9 डेज ही तो हुआ, तो ये देख सकते हो कैसे ट्रेड कर रहा है। और बाकी, और इस तरह तो फ्रेंड आप मतलब मास्टर ट्रेडर देख सकते हो। लेकिन जैसे सोच रहे हो किसी का नाम पता है उसको सर्च करना है, तो सिंपल सर्च करने के लिए ना ये बटन ऑन करना होगा। ये बटन जैसे ही ऑन करोगे, यहाँ पे सीरियल और कैटेगरी भी लगा सकते हो, किस कैटेगरी को चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा नीचे आपको जाना है, ये देखो सर्च बटन आ गया। तो जैसे कि मुझे भी सर्च करो, मैंने भी जल्दी में ये आईडी बनाई है, बट अभी ट्रेड नहीं लिया हूँ। तो यहाँ पर सिंपल डालोगे तो मेरा आ जाएगा इसने गोल्डन चांस। तो अपने ओन रिस्क में फॉलो करना, अगर मुझे फॉलो करना, क्योंकि सेंट अकाउंट है, शायद मैं रिस्क ही करूँ, तो यहाँ पे ऐसे गोल्डन चांस डालूंगा। तो मैंने ये आईडी बनाई है, अभी मैं कोई भी ट्रेड नहीं किया, अभी जल्दी ही वन डे हुआ, और 5,000 वही USD यानी सेंट होना चाहिए। तो आप मुझे कॉपी कर सकते हो, यानी $50 का अकाउंट है, तो सर्च करके ये चीज़ें होगी, इस तरह किसी सर्च कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्या है, हम कॉपी किसी को करके एकदम लाइव दिखाएंगे, क्योंकि बस ऐसे कॉपी करके दिखा दे रहा हूँ, बट मैं जिसको भी कॉपी कर रहा हूँ आप मत कर लेना, क्योंकि जस्ट अभी मैं ही खुद नया बनाया हूँ, इसलिए मैं जितने भी मास्टर ट्रेनर हैं इसमें अभी सही से मैं किसी के बारे में रिसर्च नहीं किया हूँ कि वो कैसा है कैसा नहीं, इसलिए सही गलत अभी किसी को बता नहीं सकता। ये मैं कहूँगा भाई, जो बंदा स्टॉप लॉस लगाता है उसी बंदे को फॉलो करना, अदरवाइज मत करना, समझ रहे हो। स्टॉप लॉस अभी क्या है, इसमें स्टॉप लॉस कैसे पता चले, किसी ना किसी कॉपी करोगे तो ऑलरेडी आपके MT4 अकाउंट में दिखेगा। तो चलिए हम सिर्फ इसको कॉपी करेंगे, कॉपी टू में बनता है इसका, क्योंकि डर डाउन 40-45% का, इसका पहले देख लेते हैं, ऐसे क्लिक करेंगे हम, देखते हैं इसकी डिटेल्स। तो ये नहीं कि इसको कॉपी कर लो, पहले देखना अच्छे से जो अभी ये पहली बात इसने लिखा है भाई, आई डू एल्गोरिथम, यानी कहने वाला बोट कर रहा है इससे भाई। बोट वोट किसी से फर्जी मत खरीदना फ्रेंड, सब लुटेरे हैं। अगर बोट ही चाहिए तो मेरे पास पड़े हैं, मैं दे दूंगा, वीडियो बना दूंगा किसी दिन। बोट मत करने, बोट से ट्रेडिंग भी कर रहा है, लिख रहा है बोट से, तो चलो बोट से किया है, लेकिन हम लो रिस्क पे कर रहा है, और ये कमीशन ले रहा है भाई 20% पर वीक, मतलब इसको $100 से कर सकते, नहीं 10,000 USD यानी $100 से मिनिमम कॉपी करोगे तो सेफ हो। ये इसको 14 सब्सक्राइबर हैं इसके, 1964 टोटल, यानी
मिला कि इतना मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम ड्रा डाउन यानी 50% यानी अकाउंट इतना ड्रा डाउन गया था माइनस में, उसका फिर मार्केट वापस आ गया 148 डेज कर रहा है। तो ये सिर्फ मैं तरीका बता रहा हूँ कॉपी कैसे। तो यहाँ पे जैसे आप क्या है, कॉपी बटन है, कॉपी कर सकते हैं यहाँ पहले इसका इक्विटी, ये सब सारी चीज़ें देख सकते हैं, ट्रेड वगैरह ये सब चीज़ें। बाकी ये सब चीज़ें बाद में हम बताएंगे जब रिसर्च करें कि अच्छे मास्टर ट्रेडर को। अब यहाँ सिंपल से हमें कॉपी करना है, किसी को इसी तरीके से किया जाएगा। और ये देख लो क्या है, ये यमसेंट यूज़र है बंदा, तो आप यमसेंट में बनाए हो तो यमसेंट ही वाले कॉपी कर सकते हो, ध्यान देना। अब क्या है, कॉपी में हम क्लिक करेंगे। अब टोटल जितना फंड है उतने से हम अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10,000, तो 10,000 में कर दे रहा हूँ, ये 10,000 समझ रहे फ्रेंड, फ्री कैप 10,000 USC। और यहाँ पे मिनिमम अमाउंट टू कॉपी विथ मास्टर इज 10,000, वही लिखा हुआ है। अब सिंपल सा यहाँ कॉपी नाउ बटन जो है इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे कॉपी नाउ क्लिक करेंगे थोड़ा वेट करेंगे, अभी वो हो रहा है फ्रेंड। जैसे ही कर दिए तो ये देखो ये कॉपी टू में ये लग गया है, ये इतना बैलेंस मतलब पैसा हमने लगाया है, इतना इक्विटी यानी अभी तो आज ही लगाया हूँ। तो अब ये ट्रेड अगर ओपन करेगा तो अब लेकिन हमारे ट्रेड कहाँ दिखेंगे कि हमारे में लग रहा है। अब देखो ये आईडी मैंने MT4 में लॉगिन कराया तो वहाँ दिखेगा। चलिए MT4 में जाते हैं फ्रेंड। आपने MT4 में लॉगिन ही किया था, ये देखो 10,000 यानी आ गए, यानी $100 जो हमने डिपॉजिट किया आपके MT4 में। अब वो बंदा जो भी ट्रेड लगाएगा, जो भी ट्रेड लगाएगा, और यहाँ खुद भी ट्रेड मार सकते हो, अच्छी बात है। और जो भी ट्रेड लगाएगा ना इसमें रनिंग में आपके यहाँ पे ट्रेड लगेगा, यानी ये वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो अभी कोई ट्रेड लगा नहीं है तो ये चीज़ लगेगा। तो प्रेजेंट टाइम अभी ट्रेड बंदे लगाया नहीं है, लगा होगा मगर अब हमने कॉपी किया। अब इसके बाद जो ट्रेड लगेगा तो मेरे इसमें सो होगा। अब अच्छी बात ये है फ्रेंड, अब इसमें कोई आपको छुपा नहीं सकता, इसका ये फीचर हमें अच्छा लगा कि MT4 में लॉग इन करके हम ट्रेड देख सकते हैं। अब जो भी ट्रेड लगे कम से कम कोई भी मास्टर झूठ नहीं बोल सकता कि मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। स्टॉप लॉस लगाएगा तो भी दिख जाएगा, टीपी लगाएगा तो भी दिख जाएगा। तो देखना, कॉपी करना, देखना अगर स्टॉप लॉस बंदा लगा रहा है तो उसको कॉपी कॉपी करना, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा है तो भाई कॉपी मत करना है फ्रेंड, याद रखना। यानी स्टॉप लॉस वाले ही बंदे सर्वाइव करते हैं, हमेशा पैसा देंगे, आपको पैसा सेफ रहेगा, लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिट देंगे, लेकिन बिना स्टॉप वाले लॉस वालों को तो भी छूना मत। तो इस तरीके से कॉपी किया जाता है, समझे। बाकी मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो, और लाइक तो जरूर कर दिया करो, शेयर भी वीडियो कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।